मुझे कहते हुए खुशी है, संबल योजना जो ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी गरीबों के कल्याण के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों के कल्याण के लिए, उसको हमने फिर से प्रारंभ किया है। ये सरकार सबसे पहले उनकी है जो सबसे पीछे और सबसे नीचे रह गए हैं, और इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, संबल के नाम से इस योजना के माध्यम से एक सुरक्षा कवच दिया है हमने। इस योजना में बेटा बेटी अगर जन्म ले तो जन्म लेने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया खाते में डालने की व्यवस्था की है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस सरकार की तरफ से भरी जाती है, और फीस का मतलब केवल पहली दूसरी तीसरी की नहीं, वो तो सरकारी स्कूलों में लगती नहीं, वो तो पहले से ही हमने व्यवस्था कर रखी है। किताबें निशुल्क, यूनिफॉर्म निशुल्क, साइकिल निशुल्क। इस बार जरा साइकिल में देर हो गई है, क्योंकि बीच में जो सरकार आई थी उसने खरीदी बरीदी नहीं, लेकिन साइकिल पहुंचाने का भी काम होगा। और उसके साथ साथ अगर हमारे बच्चों का एडमिशन संबल के जो हितग्राही है उनके बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और बड़े शिक्षण संस्थान IIT जैसे में होता है, यहाँ तक कि कॉलेज में भी होता है, तो हमने तय करके रखा कि फीस फिर माता पिता नहीं, मामी भरवाता है, प्रदेश की भाजपा की सरकार भरवाती है। उसमें सस्ते बिजली के बिलों की व्यवस्था है। संबल योजना के अंतर्गत बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं उनको कोचिंग का कंपोनेंट अलग है, और संबल योजना के अंतर्गत एक बहुत मानवीय मामला है कि अगर परिवार में कोई मृत्यु हो जाए तो पूरा परिवार बेसहारा जैसा हो जाता है, जिंदगी काटना मुश्किल हो जाती है, और ऐसे समय अगर सरकार साथ ना आए तो सरकार का मतलब ही क्या है। और उसने तय किया कि 60 साल से कम उम्र में अगर मृत्यु हो जाए तो 2,00,000 रुपए की राशि खाते में डाली जाएगी। एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, भगवान ना करे कभी हो, तो 4,00,000 रुपए की राशि खाते में डाली जाती है। अभी आपने देखा बड़ी संख्या में मजदूर लौटे जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे। अपना मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, इतने सब मजदूरों की किसी भी प्रदेश से आए हों बेहतर सेवा करने की कोशिश की है। हम रेलों से बसों से अपने प्रदेश के मजदूर को लेके आई, लेकिन दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल जो मजदूर जाने वाले थे उनको भी अपनी सीमा में बसों में बैठा के दूसरी सीमा तक छोड़ा, और रास्ते में भोजन, चाय, नाश्ता सबका इंतजाम किया। लाखों मजदूर बहनों और भाइयों की सेवा में लगी सरकार और समाज मिलकर। अपने मजदूर गांव पहुंच गए प्रदेश के, उनको वहां काम मिले, इसलिए श्रम सिद्धि नाम की योजना बनाई ताकि कहीं ना कहीं रोजगार उनको मिल जाए। और अभी जो ऐसे मजदूर है जिनके पास हुनर है, काम जानते हैं, उनकी भी हम गिनती अलग कर रहे हैं, सर्वे अलग कर रहे हैं, और उनको कहाँ काम दिलाया जा सकता है इसकी कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच अगर दुर्घटना में मृत्यु हुई तो संबल योजना में 4,00,000 का प्रावधान है। औरंगाबाद में ट्रेन दुर्घटना में, दुर्घटना तो नहीं, पटरी पे आके थक के सो गए थे, हमारे उमरिया के शहडोल के मजदूर भाई नहीं रहे, मंत्री जी वहां गई थी, मीना सिंह जी,
उनके खाते में पैसा पहुंचा। यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी दुर्घटना दूसरे प्रदेश के मजदूरों के साथ मध्य प्रदेश में हुई, उनको खाते में पैसा देने का अलग इंतजाम किया। आज हमारे ऐसे बहनों के भाइयों के खाते में कुल मिला के 72,66,00,000 रुपया अभी डाले गए। और जब से ये सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, हमारी सरकार फिर से बनी है, तो अब तक हम 5,163 परिवारों के खाते में 113,95,00,000 रुपए अभी डाल चुके हैं। इसमें प्रसूति सहायता नहीं है, क्योंकि वो स्वास्थ्य विभाग अलग से देता है। वो 5,000 रुपए की जो राशि देते हैं अनुग्रह, वो जरूर इसमें शामिल है। मृत्यु अगर हो जाए तो 5,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए। तो कष्ट के समय जो काम आए वही तो सरकार, और आपके लिए हम लोग केवल सरकार नहीं है, परिवार के सदस्य हैं, और एक परिवार की तरह ये सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दुख तकलीफ कष्ट दूर कर पाए और संकट के समय आपके साथ खड़े हो पाए, इसलिए संबल योजना है। और आज ये राशि जो अनुग्रह राशि है वो हमारे हजारों भाई बहनों के खाते में जा रही है, ये संबल योजना। अब हमने जो बाहर से मजदूर आए हैं गांव में काम करने अपने प्रदेश के, उनके लिए भी लागू कर दी है राशन की भरपूर व्यवस्था, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और राशन के साथ साथ संबल का सहयोग कवच मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाए, और इसलिए आज ये राशि आपके खाते में डाली है। अब मैं जो सामने बैठे हैं उनमें से 3-4 साथियों से हालचाल पूछूंगा। मंदसौर के मल्हारगढ़ से कमलेश जी हैं क्या? जी सर, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो कमलेश भैया? सर बढ़िया। क्या क्या हो गया था, कैसे? एक्सीडेंट हो गया था। अब उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन संबल की जो सहायता है ये कम से कम परिवार के काम आएगी, इसी भाव से ये योजना चालू की है। और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, आपके साथ हैं, सरकार आपकी है। बाकी गांव में सब ठीक है? गया व्यास नमस्ते। नमस्ते, ठीक हो? अभी संबल की राशि तो बहन खाते में डाल रहे हैं। परिवार में और कौन कौन है? सब है, बच्चा है। अजय बेटा है, सास ससुर है, हाँ ननद है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा? 7th क्लास में। वो बता रहा है ना, बेटा कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास। क्या नाम है आपका? आधार। खूब अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, अच्छे से पढ़ाई करोगे? यस सर। अच्छा, थोड़ी मामा हूँ तुम्हारे, ठीक है, खुश रहो बेटा, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। श्रीमती अनिता भाई बैतूल प्रभात पट्टन बोलो। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसी हो बहन? सब ठीक है? हाँ। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। ये पढ़ रहे हैं ना सब? हाँ पढ़ रहे हैं। कहाँ? प्रभात पट्टन में। मासौद में पढ़ रहे हैं। हाँ, बेटी कौन सी क्लास में है? बार। क्या नाम है बेटी तुम्हारा?
अच्छा पढ़ाई कैसी चल रही है इस बार? तो लॉकडाउन लॉकडाउन में परीक्षा आधी रह गई ना? हाँ सब कितने दो पेपर बचे हैं? हाँ, वो दो पेपर होने वाले हैं 8 तारीख से, 8 से होने वाले ना, 8 जून से होने वाले हैं बेटी। हाँ, अच्छी से तैयारी करके देना बेटी है। हाँ, हाँ बेटी खूब पढ़ना और मम्मी पापा का नाम ऊंचा। बेटा किधर है? बेटा कहाँ है? बेटा भी है? आप भी पढ़ रहे हो? नहीं आप तो बड़े क्या करते हो? काम करता हूँ। अच्छा काम करते हो, ठीक है ठीक है, ध्यान रखना सबका है। विदिशा के 11 स्कूल से श्रीमती चंद्रावती नमस्ते। कैसे हैं प्रीति जी? ठीक नमस्ते जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। घर में और कौन कौन है? दो लड़का तीन लड़की। अभी दो लड़का तीन लड़की। बच्चे क्या कर रहे हैं लड़के? मेहनत मेहनत कर रहे हैं। और बेटियां पढ़ रही हैं? हाँ एक 12वीं क्लास एक 10वीं। 12वीं और 10वीं। अब 10वीं में कौन सी बेटी पढ़ रही? छोटी वाली। कहाँ है छोटी? जी बस मेरी बेटी। अब तुम्हारी तो जितने पेपर। नमस्ते बेटी। नमस्ते मामा जी। क्या नाम है बेटी? सोनम प्रजापति। कौन बेटी? अब तुम्हारी तो परीक्षा हो गई, दो पेपर अब नहीं ले रहे अभी कोरोना के कारण। एक रह 5 जो पेपर एक रह गया। हाँ एक रह गया ना। हाँ अब वो एक नहीं लेंगे, एक जो बाकी पेपर उसी के आधार पर नंबर आ जाएंगे मेरिट पे जो भी बनी उसी से बनी। ठीक है। और 12वीं में ये बेटी पढ़ रही है? क्या नाम बेटी आपका? हंसी प्रजापति। बेटी तुम्हारे दो पेपर होंगे पता है? हाँ। दो ही बचे हैं ना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है ठीक है बहन, मैं साथ हूँ, सरकार साथ है आपके। वैसे तो आज आज खाते में 5 पैसे पहुंच गए, आज अभी खाते में डाले पहुंच जाएंगे। प्रधान पाटीदार जी है हम लोग नाम से। नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी। घर पे क्या हाल है भैया प्रहलाद जी? मैं माता जी शांत हूँ भाई। हाँ वो तो पता है इसलिए वो राशि तो आज पहुंचा दी। घर में और कौन कौन? मेरे छोटे भाई है और एक बड़ी बहन है और दो बच्चे हैं। छोटों का ध्यान रखना, ठीक है सबका ध्यान रखना। और अपने यहाँ कोई कोरोना वरोना का संकट तो नहीं है? अभी तक तो कोई पेशेंट नहीं हुआ था उधर। अभी तक कोई नहीं है, चलो गांव सुरक्षित भी रखना है ना। और सबको राम राम कहना है। श्रीमती कमला नायक नागौर सतना से।